हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम बनाएंगे कृष्ण जी के लिए भोग, और भोग में बनाएंगे बहुत ही आसान सी मिठाई है कलाकंद। आप लोगों ने खाई भी होगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। और सिर्फ तीन ही इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए होते हैं, दूध, पनीर और तीसरा चीनी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दी है और इसमें कढ़ाई भी रख दी है जिसमें हम करेंगे दूध को गर्म। इसमें सबसे पहले हमें डालना होगा थोड़ा सा पानी ताकि दूध हमारा नीचे ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो चलिए दूध डालते हैं। देखिए दूध हमने डाल दिया है। बहुत ही इजीली इस मिठाई को बनाने के लिए बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, पेशेंस। क्योंकि जितना आप पेशेंस रखेंगे उतनी ही मिठाई बहुत अच्छे से बनके तैयार होगी। तो चलिए डाल देते हैं। मैंने ये थैली वाला दूध लिया है। आप चाहें तो घर का, अगर आपको अच्छा दूध मिलता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने कुछ नहीं करना है, बस पेशेंटली इसको अच्छे से देखना है, हिलाते रहना है और हमारा कलाकंद बहुत ही इजी जल्दी से बनके तैयार हो जाएगा। पहले तेज आंच में इसको दूध को जो है अच्छे से बॉयल आने दीजिए। उसके बाद हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे जो कि है पनीर का। पनीर भी मैंने खुद से ही घर पे बनाया हुआ है। आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन वो जो पनीर आप मार्केट से लाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तो हमारा कलाकंद उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ स्टेप्स, वो उस फॉलो करिएगा और आपकी मिठाई भी बहुत ही अच्छे बनेगी। आप लोग जन्माष्टमी के लिए क्या बनाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूध से बन रही हो कोई मिठाई और उसमें इलायची ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए मैंने इलायची भी डाल दी है। अब हम इसे उबलने देंगे, उसके बाद ही आगे का देखेंगे। उसके बाद चलिए पनीर देख लेते हैं, तब तक ये उबलता है तब तक। एंड दिस इज़ द पनीर जो कि मैंने खुद बनाया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही पनीर चाहिए। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही मस लेंगे। और दूध की तरफ भी ध्यान देना है आपने बीच बीच में अगर आप बना रहे हैं तो। अच्छे से मैंने इनको हल्के हाथों से मसल लिया है। देखिए हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें पनीर की। तो अगर आप घर पे बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। अगर आप नहीं बना सकते हो घर पे तो मार्केट से लाइएगा, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट पनीर। चलिए अब दूध की तरफ चलते हैं, दूध को देखते हैं। खाली कढ़ाई में जब हम गैस पे रखते हैं तो उसमें पानी का छिड़काव करने का यही मतलब होता है ताकि जो हमारा दूध है वो नीचे ना लगे। एक बार बॉईल आने देंगे हम इसको, फुल आंच पर अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और आराम से इसको, जब तक इसकी क्वांटिटी जो है जितनी आपको दिख रही है उससे 60% कम ना हो जाए तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। ये अच्छे से इसको पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा और बहुत ही अच्छी मिठाई जो है बनकर तैयार होगी। इसका नाम है कलाकंद। देखिए बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसके बाद हम जो फ्लेम है उसको स्लो कर देंगे और आराम से इसके आधे होने का वेट करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से पकने का इसका वेट करेंगे ताकि ये 60% जो है 60% ये पक जाए और सिर्फ हमारे पास जो क्वांटिटी रहेगी जो अभी आपको दिख रहा है उसका सिर्फ 40% रहेगा। तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पनीर को और फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। देखिए देखिए 20% कम हो चुका है दूध। अब एट दिस टाइम वी ऐड देसी घी। हाँ जी, देसी घी की एक चम्मच ज़रूर आप अभी डालेंगे और एक चम्मच डालेंगे बाद में। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है मिठाई में, तो इसीलिए इसको अभी ऐड किया जा रहा है। देखिए
देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि डिब्बे में आप कैसे देसी जुगाड़ से मक्खन निकाल सकते हैं, तो देखिए ये वही मक्खन है जो हमने खुद से निकाला था। आपको याद ही होगा दो चार दिन पहले मैं मलाई जो है इकट्ठी कर रही थी और एक डिब्बे में मैंने इसको शेक किया, जिसके बाद देखिए कितना अच्छा मक्खन जो है बन के तैयार है। ये भी हम कारा जी को भोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी मिठाई को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। देखिए फ्रेंड्स बहुत देर हो चुकी है और दूध की क्वांटिटी भी कितनी कम रह गई है। और ये दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ बन रहे हैं व्रत वाले आलू, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओनली ऑन जो हमारी स्वीट्स बन रही है कलाकंद, उस पर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दूध की जो क्वांटिटी है वो मैंने ले रखी थी 1 किलो से, ये 1 गिलास कम था शायद। देखिए जितना हमने दूध डाला था उससे 40% ही शायद बचा है ये, या 50 के आसपास होगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर और साथ में इसको पहले तो अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी चीनी। तो चलिए डालते हैं अब पनीर। अच्छे से इसको मिला लेंगे। पनीर देखिए बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे कि आपको मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पनीर, ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर बना है और इससे मिठाई भी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल जैसी बाज़ार से हम लाते हैं वैसी। चलिए अब थोड़ी देर इसको पकने देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे इसमें कम ही जाती है चीनी, तो आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दूध की भी अपनी मिठास होती है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। देखिए इसमें चीनी डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिलाएं और अच्छे से इसको कम आंच पे इसको आप अच्छे से पकाएं, और देखिएगा सो धीरे धीरे ये थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि हमें पता चल जाएगी कि हमारी मिठाई जो है बन चुकी है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेटली अभी जो है 20 to 25 मिनट इसको लगेंगे। देखा इसको बनाने में सिर्फ आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि अगर पेशेंस आप रखेंगे तभी आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए हम भी करते हैं वेट। अब ये जो मोमेंट है इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, आपका ध्यान कहीं भी और नहीं जाना चाहिए वरना ये जल भी सकती है। तो अभी आप पेशेंटली यहीं पे इसको हिलाते रहिए। और आप अब चाहें तो आप फ्लेम थोड़ी सी हाई भी कर सकते हैं। इस मोमेंट पे हम एक चम्मच और देसी घी की डालेंगे और उसके बाद जो है इसको 5 से 7 मिनट ही बस रखना है फ्लेम पे। उसके बाद आप चाहें तो इसको ठंडा होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा उसके बाद ही करिएगा। देसी घी डाल दिया मैंने इसमें। इस मोमेंट पे आप थोड़ा ध्यान से स्टर करें, क्योंकि हो सकता है छींटे आप पे भी पड़े, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करें इस चीज़ को। ये जो आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि अब एक से 1.5 मिनट में जो है हमारी जो मिठाई है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप इस समय पे थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपको गर्म ना लगे या आपके ऊपर जो है छींटे ना पड़े। अब बारी आ गई है गैस को बंद करने की, और इससे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं कुछ एक ड्राई फ्रूट। मैंने इसमें अभी ही ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, कुछ लोग इसको ठंडा होने के बाद ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, जब आप डालना चाहें तब डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें बाद में चांदी की वर्क भी चढ़ा सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल बाजार जैसी लगे। अब आपने एक ऐसी प्लेट लेनी है जिसमें आप ग्रीस करेंगे देसी घी, आप चाहें तो ऑयल कर सकते हैं, पर इतनी अच्छी मिठाई बनाई है तो देसी घी ही ग्रीस करिएगा। और उसके बाद हम इसे
इस प्लेट में डाल देंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए 1 से 1.5 घंटा रख देंगे और हमारा कलाकंद जो है वो तैयार है। तो चलिए बताते हैं आपको लास्ट के लास्ट में कैसा बन के तैयार होता है। देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है कलाकंद, जो कि हमने घर पे ही बनाया है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया है। तो आपने पूरी प्रिपरेशन तो देख ही ली है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ खुद से भी ज़रूर बनाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप और भी रेसिपीज चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको लोग के लिए लेके आऊँगी, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा कमेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल तैयार है और ये आज लगेगा भोग कृष्ण भगवान जी को। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो हमारा चैनल है स्प्रेड हैप्पीनेस विद यार, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।